एक गाड़ी घुस गई भाई गड्ढे में। देखो भाई कैसे निकल रही गाड़ियाँ। भाई जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं ना उतना तगड़ा सीन होता जा रहा है यहाँ पे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो यार फाइनली जो है ना मैं रेडी हो चुका हूँ भाई हल्द्वानी के लिए। तो आज फाइनली यार मेरा प्रोग्राम बन चुका है। तो अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है भाई वो हो रहा है सुबह के 9। तो 9:30 बजे वाली बस पकड़ेंगे, चलेंगे हल्द्वानी, पहुंचेंगे शाम को और वहां जाके दिखाएंगे आपको कि अपना क्या प्रोग्राम है। तो काफी लंबा जो है मेरा ट्रैवल होने वाला है, तो काफी शॉर्ट शॉर्ट में जो आप लोगों को दिखाऊंगा और जल्दी जल्दी से जो है ना हल्द्वानी पहुंच के मिलूंगा। मम्मी ने ना देखो मेरा पूरा का पूरा बैग भर दिया है भाई, ये देखो सामान से। मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ ना पूरा फुल, अब इतना भारी बैग लाद के जाना पड़ता है। लग कुछ ककड़ियाँ हमारे लिए भी रखी हैं, सारी लेके जा रहे हैं। दो ही तो लगे थे, दो तुमने खा लिए तो। दोस्तों ये हमारी घर की ककड़ी देखो, और हमारे उसी पेड़ में लगी है, उस वाले में देखो, उस वाले में ना इतनी ककड़ियाँ लगी है भाई इस बार बेहिसाब। तो मम्मी ने भी एक रख दिया मौसी के लिए, क्योंकि मैं पहले मौसी के वहीं जाऊंगा ना। और प्लान का जो है मम्मी को भी पता नहीं है भाई कि मैं यहाँ हल्द्वानी क्यों जा रहा हूँ, ये तो अब इनको ब्लॉग देख के पता चलेगा, कल परस होगा। बहुत बड़ा सरप्राइज है। माँ की मौसम इतना ज्यादा प्यारा हो रहा है दोस्तों, देखो हल्की सी धूप है, हल्के हल्के बादल है, ना गर्मी है ना ठंड है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो भाई फाइनली बस आ चुकी है, तो चलते नीचे अब। हाँ मम्मी बस आ गई, मैं जा रहा हूँ, चलो भाई। तो अभी जाके जो है ना बस रुकी पड़ी है हमारी, और ये जो जगह है ना उसका नाम लिखा हुआ है भाई यहाँ पे देखो, छड़ा पे रुके हुए हैं। तो टाइम अभी भाई दोपहर के अराउंड 1:30 बज रहे, तो वही 2-3 घंटे मुझे और लगेंगे भाई यहाँ से। तो भी बहुत दूर है यार, अभी तो भवाली नहीं आया, भवाली आएगा फिर हल्द्वानी आएगा। बट वहाँ की जो भी है भाई जगह बहुत ज़्यादा मस्त है यार, देखो खुला खुला पूरा मस्त। तो चलो यार थोड़ा सा मुझे कुछ लेना है खाने पीने का, वो लेते हैं, उसके बाद फिर जो है निकलेंगे हल्द्वानी को। तो अभी मैंने जो है ना ब्रेड ले लिए भाई, गर्मा गर्म बड़े अच्छे लग रहे थे, तो ब्रेड खाते हैं भाई। खतरनाक लग गया है, बारिश बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, गुस्सा आगे रास्ता बड़ा खतरनाक हो जाता है इस टाइम पे। तो भाई यार फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, सबसे पहले सुमित का सामान देना है। यार सुमित का वेट करते हैं भाई, यहाँ पे सुमित आएगा अभी। और यहाँ ना बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, ऊपर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बट यहाँ पे मौसम सही है भाई। सुमित की नानी ने गद्दू लौकी वाकी भिजवा रखी है, तो यार दे देते हैं उसे। बाकी जो भी है भाई हल्द्वानी के ट्रैवल में मज़ा आ गया यार, क्या मस्त, बिल्कुल बारिश बारिश हो रही थी ऊपर। भाई मैं कमल को भी फ़ोन कर लेता हूँ, कमल भी आ जाएगा और साथ में सुमित भी आने वाला है, तो देखते हैं किसके घर जाया जाता है शाम को। बाकी फिलहाल 5 बज चुका है भाई, तो सही टाइम पर पहुँच गया मैं, बढ़िया। हेलो हेलो वाह, कितने घंटे लगा दिए तूने। तो गाइस फाइनली सुमित आ चुका है भाई, सुमित का मैंने सामान दे दिया है, तो अब जो है ना सुमित के साथ मैं जा रहा हूँ नीचे को स्टेशन। इसके घर पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को मौसी के घर पे जाना है, कमल आ गया है, तो चलते हैं भाई के साथ, भाई मुझे नीचे ड्रॉप कर देगा। तो भाई सुमित जो है वो चला गया मुझे ड्रॉप करके, अब कमल मिल चुका है भाई। तो कमल ये भी ना सिर्फ 2 घंटे है, ये 6 बजे जाएगा अपने, तो अभी इसके साथ में मौसी के घर होके आता हूँ पहले। बाकी मेन जो है ना वो कल को है सीन, भाई को मैंने कॉल कर दिया है, कल का अपना सीन डन हो जाएगा। भाई हल्द्वानी में भसड़ बहुत है यार सच में, ये देख रहे हो कितनी भीड़ ट्रैफिक। तो भाई यार चलते चलते जा रहे थे मुझे, पर बहुत भूख लग रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई शॉप देखते हैं खाने पीने की, है ना। तो भाई रोड साइड की शॉप्स देखेंगे कोई बढ़िया सी, जिसपे अपने को मस्त कुछ खाने को मिल जाए स्पाइसी सा, मेरे को बहुत भूख लग रही है यार। भाई भुट्टे भुट्टे नहीं यार, भुट्टे भी गर्मी से हो रही है, मोमोज खा ले। तो चलो भाई यहाँ से मोमोज खा लेते हैं, आए हैं तो हल्द्वानी के मोमोज ट्राई करते हैं। भैया मोमोज हैं, कितने की प्लेट है? 40 रुपए की। कितने पीस? लगा दो एक प्लेट लगा दो। तो भैया अब यहाँ से हम टेस्ट करेंगे मोमोज, देखते हैं कैसे होते हैं भाई। ये क्या लगा रहे हो आप? भाई अलग ही है ये तो ये लग चुकी है भाई हमारी मोमोज की प्लेट, और इसमें ना भाई ये सबसे अलग ही है यार, एक तो उन्होंने कुछ अलग ही सी चीज़ लगाई है, तो देखते हैं भाई इसका टेस्ट क्या होता है। भाई सच में यार मजा आ गया, क्या चटनी है भाई, क्या मोमोज हैं, लिटरली भाई तगड़े हो रहे हैं यार, मजा आया। अंकल जी की तारीफ तो बनती है भाई। चौमिन खाए फिर? जो करता है आ रहे तू नहीं खाता? तू खा ले। अंकल जी यार मोमोज में तो मजा आया, चौमिन खा दो आप भाई, टेस्ट एक नंबर है सच बता रहा हूँ, मजा आ गया। ऐसे ही रोड साइड खाने का ना भाई अलग ही मजा है यार सच में।
चलो भाई बैठते हैं, आप चाउमीन खा दे, मोमोज तो बहुत तगड़े होते हैं। तो मोमोज के बाद भाई अब अपनी चाउमीन की प्लेट आ चुकी है, तो यार ये भी देखने में बहुत ज्यादा शानदार लग रही है। तो भाई अब तो मैं मिल रहा हूँ आप लोगों को सीधा खाने के बाद। लो अंकल जी, मजा आ गया वाकई में, मोमोज में मजा आया, चाउमीन में भी मजा आया। तो चाउमीन खाओगे भाई, मजा आ गया, मजा बहुत, मोमोज चाउमीन सब एक नंबर। तो मोंटी आएगा अभी, मोंटी बाइक लेके आता है तो सही है भाई, हम बाइक से जो है मौसी के घर होके आएंगे, फिर हम और जगह भी जाना है घूमने, फिर शाम को उसको हॉस्टल भी छोड़ना है, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी मोंटी को बुला रखा है मैंने, तो वो आ रहा है, हम निकलते भाई। खाना पीना तो जबरदस्त, कमल तो कुछ खाता नहीं यार बेचारा, फिर भी मेरे से मोटा हो रहा है। तो मोंटी आ चुका भाई हमें लेने के लिए, बोले को। तो गाइस यार फाइनली हमको मोंटी मिल चुका है, और मोंटी लेके आ गया भाई, गाड़ी तो बढ़िया हो गया, आराम से बैठ के जाएंगे। और बताओ मोंटी भाई कैसे हो, काम धंधा सही चल रहा है? कौन सा कौन सा काम धंधा? काम धंधे हो यार तुम्हारे, तुम यार हल्द्वानी के उद्योगपति तुम हो, कारोबार तुम्हारे चल रहे हल्द्वानी में। सही कह रहे, घर से कब आया? अभी तो आया, आते ही पहुंच कर रहा है भैया, थोड़ी देर पहले कर ले, आधे रास्ते ही चलो घर से निकल ले बंदा, फोन तो ना। भाई मैंने कहा सरप्राइज देना पड़ता है सबको, सरप्राइज देना है क्योंकि एक दिन के लिए आओ तो सरप्राइज ही होता है, अब पहुंच के तो उसमें और मजा लेगी कुछ और है। जैसे अभी मिल गया, अब तू मुझे जब पार्टी खिलाएगा, मोमोज खिलाएगा, चाउमीन खिलाएगा। अरे हाँ भाई खिलाएगा ना, आज मोमोज खिला रहा है, चलो आज मोमोज पार्टी करते हैं, मोमो पार्टी करा रहे हैं, चाउमीन तो खा के आ गया, खा के आया मोमो भी, खा के आ गया। चल कोई नहीं, तो अभी मोंटी के घर जा रहे हैं भाई पहले, उसके बाद वहाँ से जाएंगे। तो यार शाम के मौसम में ना हल्द्वानी में बहुत बढ़िया बारिश होने लगी है भाई, हल्की हल्की बूंदे शीशे पे पड़ गई है, और बहुत अच्छी है घर, हल्की सी देखो मस्त ठंडी ठंडी सी हवाएं भी चल रही है यार, मजा आ गया मोंटी यार आज, आज पहली बार दिल खुश हुआ हल्द्वानी को देख के, नहीं तो मैं हल्द्वानी से वैसे ही मुझे मजा नहीं आता। तो अभी भाई फाइनली हम मोंटी भाई के घर पे हैं, मोंटी भाई कर रहे हैं अपनी पूजा, तो यहाँ से मेरे को ना अभी निकलना है मौसी के वहाँ। आप लोग कह रहे होंगे कब से मैं कह रहा हूँ मौसी के वहाँ जाना है, बट निकला नहीं अभी तक, तो अब निकल रहा हूँ भाई, क्योंकि मोंटी भाई मिल गए थे, बारिश लग गई थी बहुत ज़्यादा तेज, तो इस वजह से मोंटी भाई के घर पे आ गया था, अभी बारिश बंद हुई है, तो बाइक लेके चलते हैं भाई मौसी के घर पे। उससे पहले कमल को करेंगे इसके हॉस्टल ड्रॉप, और फिर निकलेंगे भाई मौसी के वहाँ, फाइनली जा रहा हूँ मौसी के वहाँ यार, शाम को वहीं रुकना है, सुबह का है भाई सीन बहुत तगड़ा, तो देखना भाई कल का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, यहाँ से हल्द्वानी तक का सफर मारा है भाई मैंने बहुत, तो कल के लिए बहुत वेट है। पहले रात को तो भी चले जाए, अभी रात का मेरा सीन कुछ है, मेरे को अभी बहुत काम करना है रात को, पहले व्लॉग एडिट करूँगा, उसके बाद अपना काम निपटा के आराम से 1-2 बजे तक ही सोऊंगा मैं रात को, टाइम इसको बेचारे को हॉस्टल छोड़ना है, नहीं तो यार इसके साथ मजे मारते थोड़ा सा वहाँ बैठते, इसको हॉस्टल छोड़ना है। जाओ बेटा आप हॉस्टल की तैयारी करो, तुम पढ़ाई लिखाई करो। नवरात्रियों में हल्द्वानी का मौसम चकाचक हो रहा है, बारिश होने के बाद गर्मी बहुत कम है, मस्त आनंद है। तो मोंटी भाई हमारे पूजा करके आते हैं, तो फिर हम निकलते हैं, इसको छोड़ के आते हैं और चलते हैं सीधा घर। ओह माय गॉड, चप्पल पहन के आओगे जूते? तो अभी भैया हम जा रहे हैं कमल जी को छोड़ने, मैं जूता पहन रहा हूँ भाई साहब, बाहर तो ना बिल्कुल बारिश बंद नहीं हो रही, देखो बहुत तेज लगी पड़ी है भाई, अभी कमल को छोड़ना है फिर मेरे को निकलना है भाई, यार क्या करें आज तो हल्द्वानी में कहर ही हो गया भाई कहर। तो अभी कमल जी को छोड़ने के लिए भाई गाड़ी निकालनी पड़ी हमें, और यहाँ देखो भैया हल्द्वानी की रोडों का हाल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई पूरे नाले नाले बने पड़े हैं ना भाई, बहुत गंदा सीन हो रहा है बिल्कुल भाई, बहुत नदी नदी नाले आ रहे हैं, देखो ये देखो। तो अभी जो है हमको भाई पानी लेके आना है, हल्द्वानी शहर में बिल्कुल लाइट नहीं है तो इसलिए पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हमको पानी भी लेके आना है साथ साथ में, तो हम गागर भी लेके आए हैं, अभी हम पानी भी भरेंगे। ये देखो भाई ऐसे चल रहे हैं लोग बाग, ये हैं हल्द्वानी, तो ये हैं भाई हल्द्वानी के हाल भाई, जबरदस्त सीन हो रहा है जबरदस्त, आज पहली बार देख रहा हूँ हल्द्वानी का ऐसा रूप भाई, भाई साहब ये है हल्द्वानी के नज़ारे, देखो दोस्तों ये देखो भाई बाहर नाला, ओए भाई दुकान के अंदर अंदर तक पानी घुसा पड़ा है, ओए होए होए गजो भाई, हल्द्वानी बहुत गंदा सीन हो रहा है, ये देखो भाई पूरी बाढ़ के बीच में फंसा हूँ मैं भाई, पूरी गाड़ आ रही है बहुत गंदी वाली, अब आगे आगे जाते जाते देखो भाई और तगड़ा हो गया, यहाँ तो पूरा गाड़ी के ऊपर तक पानी भर गया भाई, भाई क्या सीन हो गया, ये बवाल हो गया भाई, ये देखो भाई गंगा आ गई गंगा। तो हम लोग जो है अपना सामान लेके कमल को छोड़ के भाई डिनर विनर कर लिए, तो अभी सो जाते हैं मोंटी भाई, ओके भाई 11:30 हो जाते हैं यार, अब 11:30 हो चुका है भाई, मैं एडिट कर लेता हूँ ब्लॉग, और मेरे को कुछ और काम भी करना था, बट कोई नहीं अब देखेंगे जो भी होता है फिलहाल, तो इस व्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा, और हल्द्वानी की नदी अच्छी लगी तो यार पसंद आई तो यार लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पे नहीं आ चुके बटक तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, तो चलो सोते हैं यार, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।